वेलकम बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर आरसी मिश्रा, साई स्टडी सेंटर एंड यंग माइंड्स एकेडमी की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूं। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ाई शुरू की और मॉर्फोलॉजी में जो पहला चैप्टर लिया बच्चों हम लोगों ने, दैट वाज नन अदर देन रूट। और रूट के बारे में बतलाया आपको, इट इज डिसेंडिंग ऑर्गेन ऑफ द प्लांट बॉडी। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द टॉप रूट। दिस इज डीप फीडर रूट, जो गहराई तक जाता है, सोज रेसिमोज ग्रोथ। और ऐसा कहां पाया जाएगा? डाइकॉट्स एंड वुडी जिम्नोस्पर्म। इन केस ऑफ साइकस कोरोलॉइड रूट इज प्रेजेंट विच इज एंटीजियोट्रॉपिक। कैसा होता बच्चों? ये एंटीजियोट्रॉपिक होता है। और इट हैज ब्लू ग्रीन एल्गी इन कॉर्टिकल जोन। तो आगे चल के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल। नाउ कम टू नेक्स्ट। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लें एक टिपिकल टैप रूट की, दिस इज कॉल्ड एज रूट कैप, आल्सो कॉल्ड एज कलिप्ट्रा इन इन द सेंट्रल रीजन ऑफ रूट कैप। ग्रेविटी डिटेक्टिंग सेल्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड स्टैटोसाइट्स। स्टैटोसाइट्स में बच्चों स्टैटोलिथ पाया जाता है और स्टैटोलिथ में स्टार्च ग्रेन्स के क्रिस्टल्स होते हैं और इसी वजह से पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है रूट। सो व्हाई द रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक? It is due to presence of gravity detecting cells in the central region of root cap, and such cells are called as stratocytes. They are having crystals of starch grains, which is called as stratolith. बच्चो आप तीन चीज पढ़ोगे, systolith, stratolith and rhaphides. Stratolith starch grains के crystals होते हैं, systolith कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं और फाइकस की लीफ की एपिडर्मिस में पाया जाता है एंड रेफाइट्स में कैल्शियम ऑक्सलेट्स के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं एंड दैट रेफाइट्स आर फाउंड इन एस्परागस एंड डहलिया। सतावरी में पाया जाता है एंड एस्परागस
इज यूज एज फीमेल टॉनिक वेर एज बिथेनिया सोमनीफेरम दैट इज कॉल्ड एज अश्वगंध वो मेल टॉनिक के तौर पे यूज होता है। ये सारे सवाल नीट में पूछे गए हैं, आप इन चीजों को याद करते हुए चलिए। देन कम्स मेरिस्टमैटिक जोन एंड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ एम्ब्रियोनिक आर मेरिस्टमैटिक जोन अ ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट विच कॉन्स्टिट्यूट क्विसेंट सेंटर। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई क्लाउस इन जिया मेज। क्लाउस करके वैज्ञानिक ने ढूंढा था, जो पाया जाता है पौधों की रूट के एम्ब्रियोनिक या मेरिस्टमैटिक जोन के। इसके बाद का जो रीजन है, इस रीजन को कहा जाता है इलांगेशन जोन। और सबसे लास्ट में फिर कौन सा मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज मैचुरेशन आर डिफरेंशिएशन जोन। और फिर उसके बाद ये लैटरल रूट्स। सो दिस इज द टिपिकल टैप रूट फाउंड इन एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट विच हैज फोर डिफरेंट जोनेशन, रूट कैप, एम्ब्रियोनिक जोन आर मेरिस्टमैटिक जोन, इलांगेशन जोन, मैचुरेशन जोन आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन जोन, आल्सो कॉल्ड एज रूट हेयर जोन बिकॉज ह्यूज नंबर ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन मैचुरेशन जोन एंड दीज रूट हेयर्स आर ऑर्गन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट वन, एक एक लेके चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं रूट कैप, आल्सो कॉल्ड एज कैलिप्ट्रा। रूट कैप शब्द हम कहाँ यूज करते हैं, डाइकॉट में। सो इन डाइकॉट रूट कैप डेवलप्स फ्रॉम डर्मेटोजन। वाइल इन मोनोकॉट रूट कैप आर कैलिप्ट्रा डेवलप्स फ्रॉम कैलिप्ट्रोजन। देन सवाल पूछेगा कि रूट कैप कहाँ पे एब्सेंट होता है। सो रूट कैप इज एब्सेंट इन एपीफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स एंड पैरासिटिक एंजियोस्पर्म जैसे विस्कम है, लोरेंथस है, इन सब में। हाइड्रोफाइट्स में रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट, और रूट पॉकेट रूट को फ्रिक्शन से बचाता है, साथ ही साथ वाटर से डेसिकेशन होने से बचाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है सवाल, दैट इज ड्यू टू रूट कैप रूट एपिकल मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल किनारे से हटके इन पोजिशन बट शूट मेरिस्टेम इज टर्मिनल इन पोजिशन।
मल्टीपल रूट कैप पाया जाता है पैंडनस आर स्क्रूपाइन। बड़ा एक बहुत बढ़िया हिस्टोरिकल कहानी जुड़ी हुई है कि ये जो पैंडनस है दैट इज गार्डस केतकी और इसके फ्लावर बहुत खुशबू वाले होते हैं। इसका गजरा बनाया जाता है, फीमेल यूज टू बियर गजरा। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा साउथ इंडिया में, बंगाल में देखा होगा, इट्स अ कस्टम, वहां पे महिलाएं गजरा पहनती। तो गजरे का इतिहास कहां से लिया गया है? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी लॉर्ड शिवा इज ग्रेटेस्ट गुरु ऑफ मेडिटेशन। हमारे यहाँ शंकर जी को मेडिटेशन का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। जब बूटी सूटी पी लेते हैं भोले बाबा तो एकदम मस्त रहते हैं। पार्वती जी को क्या दिक्कत होती थी, रात 10 बज गया 11 बज गया और बाबा सो रहे हैं तो जगाने में दिक्कत होती थी। तो पार्वती जी ने पहली बार क्या काम किया कि अपने बगीचे से केतकी के फ्लावर तोड़ा, उसके गजरा बनाया, बालों में लगाया, शंकर जी के बगल में बैठ गई। शंकर जी का ध्यान भंग हो गया, तभी से ये गजरे का कंसेप्ट आया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। नीट से लेके एम्स से लेके CSIR बच्चों सारे एग्जाम में यह सवाल पूछा गया, नेम ऑफ द प्लांट विद मल्टीपल रूट कैप एंड दैट इज पैंडनस आर स्क्रूपाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, इसको याद रखिएगा। और बताया मैंने कि रूट का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो किनारे से हट के होता है, सब टर्मिनल, क्योंकि किनारे पे रूट कैप टोपी होता है। लेकिन शूट का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो टर्मिनल पोजिशन पे होता है बिकॉज देयर इज नो शूट कैप। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अगर हम लोग डिस्कस कर लें, अगर ये देखिए ये रूट कैप है, अब यहां से रूट कैप की सेल्स सिक्रीट करती हैं, दिस इज म्यूसिसेल एंड इट क्रिएट्स बेसिक पीएच ग्रेटर देन 7, मोर डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलजी। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में 4 बार पूछा गया है कि ये जो रूट कैप है इसके आसपास का जो सॉयल होता है वो उसका पीएच क्या होता है, वो कैसी सॉयल होती है। तो बच्चों रूट कैप के आसपास की जो सॉयल होती है वो बेसिक हो जाती है। क्यों बेसिक हो जाती है? बिकॉज रूट कैप्सल्स दे सिक्रीट्स म्यूसिजेल एंड ड्यू टू म्यूसिजेल सॉयल बिकम्स बेसिक। पीएच 7.5 से लेके 8.5 के बीच में रहता है। एंड यू नो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलजी प्रेफर्स बेसिक सॉयल, सो दैट्स व्हाई बायोडाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगी मैक्सिमम इन रूट कैप रीजन। वन मोर इंपॉर्टेंट, एंड दिस म्यूसिजेल एक्ट्स एज लुब्रिकेटिंग एजेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करता है जैसे रूट आसानी से पेनिट्रेट करके नीचे जा सके। ये तो हो गया रूट कैप के बारे में बच्चों, लेकिन ये जो रूट हेयर्स हैं अब यहां की कहानी देखिए, रूट हेयर की जो कोशिकाएं होती हैं दीज आर रूट हेयर्स, और कैसे होते हैं ये यूनिसेल्युलर, और यहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज रूट हेयर दे आल्सो रिस्पायर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट पैडी। धान के खेत में क्या होता है कि जब सॉयल फ्लडेड हो जाती है, पानी भर देते हैं धान के खेतों में, देन
root hair start respiring anaerobically, so that's why they produces methane, and methane is a greenhouse gas responsible for the global warming. बच्चों मीथेन गैस मेनली चार जगहों से आता है, बहुत प्यारा सवाल है, याद रखो मीथेन गैस कहां कहां से निकलेगा, धान के खेत से, पैडी क्रॉप, सेकेंड डेल्टाई रीजन, डेल्टाई रीजन जो बॉग्स होते हैं सुंदरबन, थर्ड माउथ ऑफ रुमिनेंट्स, जितने हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके मुंह से मीथेन गैस निकलता है बिकॉज रूमेन में फर्मेंटेशन होता है, एंड फोर्थ मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, ध्रुवी बर्फ के पिघलने से उसमें जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन स्टोर है वो बेटा निकलता है, एंड मीथेन इज द ग्रीन हाउस गैस, याद रखना ग्लोबल वार्मिंग. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड्स विद कैपिलरी वाटर प्रेजेंट इन दिस सॉइल और फॉर्म्स H2CO3, कार्बोनिक एसिड, एंड इट ब्रिंग्स एसिडिक pH. इसीलिए यहां पे ग्रोथ किसकी ज्यादा होगी, फंजाई की. तो बच्चों ये दो बहुत प्यारे सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए. पहला, फंजाई प्रिफर्स एसिडिक एनवायरनमेंट, बैक्टीरिया प्रिफर्स बेसिक एनवायरनमेंट. एक चीज और आप लोगों ने सुना होगा कि जो सुंदरबन का डेल्टाई रीजन है वहां पे जो हैलोफाइट्स होते हैं, हैलोफाइट्स उनमें पाई जाती है ब्रीदिंग रूट और रिस्पिरेटरी रूट, और उनमें वो रूट्स बाहर निकल आती है हवा में, दैट इज उनमें छोटे 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 छेद होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमेथोड्स, और रूट को बोलते हैं नेमेटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट. अब न्यूमेथोड्स और न्यूमेटोफोर्स जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता, एंड व्हाई न्यूमेटोफोर्स इज एंटी जियोट्रोपिक, बिकॉज देयर इज नो रूट कैप, देयर इज नो ग्रेविटी डिटेक्टिंग स्टेटोसाइट्स. तो इन बातों को याद रखिएगा. अगला आते हैं मेरिस्टमैटिक जोन. Also called as embryonic zone. तो पहला तो आपको यही याद हो गया कि सब टर्मिनल पोजिशन, साइट ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन. नो अपीयरेंट ग्रोथ एंड नो वाटर एब्जॉर्प्शन. तो बच्चों मेरिस्टमैटिक और एम्ब्रियोनिक जोन की अगर हम लोग बात कर लें रूट में, तो ये किनारे से थोड़ा सा हट के होता क्योंकि किनारे पे टोपी होता, इसलिए इसको सब टर्मिनल कहते हैं. एंड इट इज द साइट ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन. यहां पे माइटोटिक डिवीजन होता है. ऑल्दो डिवीजन टेक्स प्लेस बट देयर इज नो अपीयरेंट ग्रोथ. रीजन क्या होता है, सी the total aggregate volume of both daughter cells becomes equal to parent cell. So, एक से दो सेल बन तो जाता माइटोसिस से, लेकिन उन दोनों सेल का जो टोटल वॉल्यूम है वो पेरेंट सेल के वॉल्यूम के बराबर होता है. इसीलिए बच्चों नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाता है लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है. और नो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन. एम्ब्रियोनिक जोन से वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं होता. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको सिखा दें, अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीज इन सेल साइज को क्या कहा जाता है और
सेल नंबर को इंक्रीज करने को क्या कहा जाएगा। तो अगर कोई सेल है और उसकी साइज, बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ध्यान लगा के सुनिएगा, अगर किसी सेल की साइज बड़ी हो रही है सो दैट इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी। सो इंक्रीज सेल साइज इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी। अब इसका एडवांटेज कहा, फायदा हम कहां लेते हैं, मान लीजिए पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स, मैंगो है, आम है, अमरूद है, ठीक है, कटहल है, कोई भी फल है, अगर आपको फल की साइज बड़ी करनी हो तो फल की साइज तभी बड़ी होगी तरबूज की जब क्या यूज किया जाए वहां पे, ऑक्सीजन। सो हाइपरट्रॉफी इज प्रमोटेड बाई ऑक्सीजन। लेकिन आजकल एग्रीकल्चर में सिंथेटिक केमिकल्स का बहुत यूज हो रहा है, तो इट इज आल्सो प्रमोटेड बाय ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो गाय भैंस को लैक्टेशन कराने के लिए दिया जाता है, किसान करता क्या बड़ा चालू होता है, शहर वालों को जहर खिलाता, जब तरबूज इतना छोटा या लौकी इतनी छोटी सी बच्ची रहेगी तो उसके स्टॉक में एक ड्रॉप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देंगे और 48 घंटे में इतनी बड़ी लौकी और इतने बड़े बड़े तरबूज हो जाएंगे, जहां पे नग के हिसाब से मिलता है वहां पे आपसे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बच्चों जब भी तरबूज लीजिए, छोटे साइज का लीजिए, लौकी लीजिए, छोटी लौकी लीजिए, जब खूब खुरदरी हो, इसका मतलब किसान ने ऑक्सीटोसिन या कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया है, ये आपके काम की चीज है। दूसरा, इंक्रीज इन सेल नंबर इज कॉल्ड एज हाइपरप्लासिया। और बच्चों ये बतलाओ आप लोग कि हाइपरप्लासिया ये कौन प्रमोट कराएगा, सेल नंबर बढ़ाना मतलब सेल डिवीजन को बढ़ाना, इसका मतलब साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। तो यहां साइटोकाइनिन इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दैट इज इंक्रीज इन सेल साइज इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी एंड इंक्रीज इन सेल नंबर इज कॉल्ड एज हाइपरप्लासिया। दिस इज प्रमोटेड बाय ऑक्सीजन, दिस वन प्रमोटेड बाय साइटोकाइनिन। नेक्स्ट वन, इलांगेशन जोन। Cells are elongated and vacuolated। मतलब यह देखिए बेटा, कोशिकाएं बड़ी हो जाएंगी और बीच में एक वैक्यूल बन जाएगा, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट टेक्स प्लेस। सो इलांगेशन जोन इट इज सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड मेरिस्टमैटिक जोन। और बच्चों यहां सेल्स कैसी होती हैं, इलांगेटेड और वैक्यूलेटेड होती हैं, और प्राइमरी ग्रोथ इन लेंथ यहीं पे होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग चर्चा कर लें यहीं पे, क्विसेंट सेंटर क्या होता, सो इट एक्ट्स एज होल्ड टैंक फॉर मेरिस्टेम। बच्चों आपको अभी बताया था कि इन द सेंट्रल रीजन ऑफ एम्ब्रियोनिक जोन आर मेरिस्टमैटिक जोन, ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट विच कॉन्स्टिट्यूट क्विसेंट सेंटर। तो
सेल्स आर इन जी नॉट आर क्विसेंट स्टेज ड्यूरिंग एंजरी becomes active by de-differentiation to form new meristem. बच्चों होता क्या है, मिट्टी के अंदर फ्रिक्शन है, इंसेक्ट है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, नेमेटोड है, तो हर 2 से 3 सप्ताह के बीच में एम्ब्रियानिक जोन या मेरिस्टमेटिक जोन इंजर्ड होता रहता है, ठीक है। अब अगर एम्ब्रियानिक जोन परमानेंटली इंजर्ड हो जाएगा तो सेल डिवीजन रुक जाएगा, तो रूट की ग्रोथ रुकेगी, अल्टीमेटली प्लांट की डेथ होगी, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसी कंडीशन में इन द सेंट्रल रीजन ऑफ एम्ब्रियानिक जोन ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज क्विसेंट सेंटर एंड सच सेल्स आर इन द जी नॉट स्टेज। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा है क्विसेंट स्टेज। इस स्टेज में कोशिकाएं मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं बट दे डोंट अंडरगोज डिवीजन, जैसे एडल्ट कार्डियक सेल, नर्व सेल्स और पौधों में जितने भी परमानेंट टिश्यूज होते हैं। बट हियर जैसे ही इंजरी होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन, ये क्विसेंट सेंटर की कोशिकाएं दोबारा मेरिस्टमेटिक हो जाती हैं और नया मेरिस्टम बना देती हैं। तो बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे से याद करिएगा। लास्ट रीजन इसमें आ जाएगा रूट हेयर जोन, आल्सो कॉल्ड एज मैचुरेशन जोन, आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन जोन। Huge number of unicellular hairs. Number 2, zone of differentiation. यहां पे आके जिस final fate cell का decide होता है, जिसको पेरिसाइकिल बनना होगा वो उसमें डिफरेंशिएट करेगा, जिसको जाइलम बनना होगा वो जाइलम में डिफरेंशिएट करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, और इसको आप याद रखेंगे। और परमानेंट टिश्यूज फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज ओवर 99% वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन यहीं से होता है बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए, ये रूट हेयर है, दिस इज रूट हेयर, और इसमें बाहर की जो सेल वॉल होती है वो पेक्टिक मटेरियल की बनी होती है, और इनर वाला बच्चों सेल्युलोज, और रूट हेयर को बनाने वाली एपिब्लेमा सेल को हम लोग बोलते हैं ट्राइकोसाइट। देन दिस इज कॉर्टेक्स एंड this is endodermis, और endodermis में ये आपने पढ़ा होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप, एंड ड्यू टू कैस्पेरियन स्ट्रिप endodermis becomes impermeable for water as well as minerals and all that। इसीलिए
अब जैसे मान लीजिए ये जाइलम है, दिस इज जाइलम, तो जाइलम में पानी किसके थ्रू जाएगा? तो जाइलम में पानी जाएगा थ्रू पैसेज सेल्स, दिस इज द पाथवे, ये पानी कैसे जाता है, और इस सेल को हम लोग बोलेंगे पैसेज सेल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रूट हेयर जिस एपिब्लेमा सेल से बनता है उसे बोला जाता है ट्राइकोसाइट, ठीक है। तो ट्राइकोसाइट, लिथोसाइट, स्टैटोसाइट्स, तीन कोशिकाएं आज के लेक्चर में आपने सीखा। नाउ एंडोडर्मिस, रूट के एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है, लेकिन प्रोटोजाइलम के सामने जो एंडोडर्मिस होगा उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगा, उसको पैसेज सेल्स बोलेंगे। वाटर और मिनरल कॉर्टेक्स से जाइलम में इसी के थ्रू आएगा। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, तीन रीजन होता, लैग, लॉग, मैच्योरेशन। लैग किसके इक्वल होता है? मेरिस्टमैटिक जोन। लॉग फिश किसके इक्विवेलेंट होता है? रूट के जोन ऑफ इलांगेशन। और मैच्योरेशन जोन किसके इक्विवेलेंट होता है? रूट हेयर जोन। और याद रखना बच्चों, रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर होता है, जबकि शूट का हेयर मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर में भी इट कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। तो देखिए, अगर एक टिपिकल टैप रूट के तीनों जोन को, मेरिस्टमैटिक जोन, इलांगेशन जोन, मैच्योरेशन जोन को अगर हमको कंपेयर करना पड़े विद ग्रोथ कर्व, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, तो ये देखिए मेरिस्टमैटिक या एम्बियनिक जोन लैग फेस के बराबर होगा। मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा, और लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ किसके इक्विवेलेंट है? इलांगेशन। इसीलिए मैंने लिखाया कि प्राइमरी ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट टेक्स प्लेस इन इलांगेशन जोन, देन मैच्योरेशन यानी रूट हेयर जोन। सो थैंक यू बच्चों, दिस इज ऑल फॉर द डे। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। थैंक यू।